जी बेटा, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगर मेरे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप देखिए मेरे पास यहाँ पर विजिबल हो रहा है, कंसीडर द सेट बेटा ए दैट इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स कंटेनिंग ए एंड बी। द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन ए। उसने कहा कि कौन सा मैं स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिकल भी होना चाहिए, मैं यहाँ पर इनमें से ए बी सी डी ऑप्शन में से लूँ ताकि वो मेरा जो है सेट क्या हो जाए, दैट इज इक्विवेलेंस हो जाए। मैं आपको ऑप्शन फिर बता देती हूँ। एम्प्टी सेट मेरे पास जो है, दूसरा सेट मेरे पास जो है अगर मैं देखूं दैट इज एलिमेंट कंटेनिंग ए ए एंड बी बी, देन थर्ड से एलिमेंट मेरे पास जो है सेट है जिसमें ए बी और बी ए है और फोर्थ ए क्रॉस बी, स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा। आपको फिर बता दूं बेटा, अगर मैं ये ऑप्शन बी देखूं, है ना, बी ऑप्शन में अगर आप देखोगे ए ए है बी बी है, क्योंकि किसी भी सेट को सिमेट्रिक होने के लिए मेरे पास ए ए एलिमेंट भी चाहिए और बी बी भी चाहिए, है ना। और अगर ए के साथ मैं देखूं सिमेट्रिक के लिए, ए के साथ ए है, बी के साथ बी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक में भी ये कंडीशन। ट्रांजिटिव में हमने बताया हुआ है कि अगर ए बी है अगर हो और बी सी हो, यहाँ पहला एलिमेंट भी नहीं है दूसरा भी नहीं है, तो 100% मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर आप ऑप्शन देखोगे तो कौन सी करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बेटा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ए ए और बी बी इज द स्मॉलेस्ट सेट दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ओके बेटा, क्लियर। ये नहीं सोचना ट्रांजिटिव के लिए ए बी होना चाहिए। अच्छा, अगर ए बी हो भी जाता, बी सी नहीं भी है ना, तो तब भी वो ट्रांजिटिव मानी जाती है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू कंसीडर हियर, ए ए एंड बी बी इज द इक्विवेलेंस रिलेशन जो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ओके बेटा, एंड रिफ्लेक्सिव तो है ही, गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज रिटन। मैं क्यों शो कर रही हूँ क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना तो बेटा उतना ही टाइम ज्यादा लगता है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। कंसीडर द सेट ए, इसमें एलिमेंट है 1 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन ए इज सिमेट्रिक, नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव। ध्यान से देखिए, जो नीचे दिए गए ऑप्शन ए बी सी में से ऐसा कौन सा सेट है जो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक तो है, वो ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक होना जरूरी है बेटा। सिमेट्रिक मतलब मेरे पास क्या है, अगर मैं देखूं कि ए बी है तो बी ए भी होना जरूरी है ना, लेकिन वो ट्रांजिटिव भी नहीं होनी चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए। तो बेटा कौन सा ऑप्शन मेरे पास जो है, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट मेरे पास, क्योंकि अगर आप देखोगे डी ऑप्शन में ही ए बी है और बी ए भी है, तो दैट मीन्स सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, तो दैट मीन्स दिस जो है सेट जो है मेरे पास सिमेट्रिक होने के लिए ए बी बी ए है लेकिन 1 1 नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। कैसे, क्योंकि अगर 1 2 2 1 तो कौन सा बचा, 1 1 1 1 इसमें नहीं है ना, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं। ओके क्लियर, सबको बात समझ आ गई बेटा, क्लियर। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, रीड द थर्ड क्वेश्चन। मैं आप लोगों के लिए बुक दिखा रही हूं आप लोगों को स्क्रीन पे। थर्ड क्वेश्चन, रीड इट केयरफुली। लेट सेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स एम एंड एन। ओके, कंटेनिंग एलिमेंट्स एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज। ऑप्शन ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ रिलेशंस, आपको पता है नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं जितने सबसेट्स होते हैं, और सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर एम एन। ओके,
तो टू की पावर मेरे पास जो है एम एन, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो मेरे पास जो है यहाँ पर बी ऑप्शन होगी। अच्छा अगर मैं कह देती नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, हाँ जी एनीबॉडी फ्रॉम यू, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स बेटा बता सकती हो, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स वो आने थे टू की पावर एम एन माइनस वन, वो क्या रहना था टू की पावर एम एन माइनस वन, एक कम, ओके पावर में नहीं सीधा नीचे वन कम, मैं लिख के बता देती हूं नॉन एम्प्टी टू एम एन माइनस वन, ओके जी क्लियर, एक कम हो जाता है, समझ आ गई बेटा बात, ठीक है जी। हाँ जी ये रिलेशंस पूछे गए थे, नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए ऑप्शन कौन सी होगी बी ऑप्शन टू की पावर एम एन, ओके बेटा क्लियर। लेट अस स्टडी नाउ द क्वेश्चन नंबर बेटा मेरे पास जो है फोर्थ, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द मेरे पास जो है रिटर्न यूक्लिडियन प्लेन, ओके लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द यूक्लिडियन प्लेन एंड लेट अ रिलेशन आर ऑन टी इज डिफाइंड एज, अब मेरे पास जो है रिलेशन कैसा डिफाइन किया गया देखिए, ए रिलेशन आर वेयर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए रिलेशन बी दिया हुआ है और वेयर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए सॉरी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ट्रायंगल टी देन आर इज, अब आर कैसा होगा उसने ऑप्शन दी हुई है आप पहले एक बार पढ़ लीजिए, R is मेरे पास जो है first reflexive दिया है but not transitive, next दी हुई है transitive but not symmetric, okay और third option मेरे पास दी हुई है बेटा transitive sorry equivalence और D दी हुई है none, I'm again reading it, reflexive है but not transitive, transitive है but not symmetric, then equivalence then none of the option, अब बेटा clear cut अगर ट्रायंगुलर की बात होती है हम रिफ्लेक्सिव देखें सबसे पहले, एक ए ट्रायंगल मेरे पास हो गए, एक ए ट्रायंगल, हाँ जी एक ए ट्रायंगल अपने पे ही कॉन्ग्रेंट होती होती है क्योंकि ओवरलैप कर जाती है ना, कॉन्ग्रेंट का मतलब ओवरलैप करना पूरे के पूरे, ए रिलेशन ए ट्रू है रिफ्लेक्सिव है, बात करें सिमेट्री के अगर एक ट्रायंगल है ना मैं ट्रायंगल की बात कर रही हूँ दूसरी ट्रायंगल पे मर्ज कर रहा है तो ये वाली ट्रायंगल इस पे भी मर्ज करेगा यानी सिमेट्रिक भी होता है, ए आर बी बी आर ए ट्रांजिटिव, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरी ट्रायंगल तीसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या पहली और तीसरी कॉन्ग्रुएंट होगी कि नहीं होगी, होगी ना मर्ज करेगी कि नहीं करेगी, तो दैट मीन्स ये क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ओके दैट इज 100% इक्विवेलेंस रिलेशन, सबको क्लियर हो रहा है बेटा, हाँ जी हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़िए, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द नॉन एम्प्टी सेट, ओके दे हैव मेंशन कि आप कंसिडर कीजिए नॉन एम्प्टी सेट और उसमें लिखा हुआ है एंड कंसिस्टिंग of children in a family, a relation R is defined as A R B if A is a brother of B, अब ध्यान से देखना तो आपने बताना है R is symmetric but not transitive, transitive but not symmetric, neither symmetric nor transitive, then both symmetric and transitive, सबसे बड़ी बात A is a brother of B, एक family में A A का brother हो सकता है, अगर मैं बॉय हूं है ना मैं किसी का ब्रदर हूं तो मैं अपना भी ब्रदर हो सकती हूँ, नॉट पॉसिबल, कोई भी अपने आप का ब्रदर या सिस्टर नहीं हो सकता, यानी रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं है ना, नॉट रिफ्लेक्सिबल है, नॉट रिफ्लेक्सिबल ही मेरे पास ऑप्शन ही नहीं कोई नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं दी हुई है, मैंने तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात करनी, फिर मैंने अगर अपने आप को बॉय समझा है मैं बी का ब्रदर हूं तो क्या बी मेरा ब्रदर हो सकता है,
कैसे हो सकता है? वो सिस्टर भी तो हो सकती है, वो गर्ल भी तो हो सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कि आपका ब्रदर है, आपको वो कहता है कि मैं आपका ब्रदर हूं, तो क्या वो आपका, आप उसके ब्रदर हो सकते हो? नॉट। हियर इट इज नॉट सिमेट्रिकल, क्योंकि यहां पर ये नहीं कहा कि फैमिली में बॉयज हैं कि गर्ल्स हैं। अगर दोनों बॉयज होते तो चलता, अगर दो, एक गर्ल एक बॉय है, आपका एक ब्रदर और आप एक सिस्टर हो, सिबलिंग है, तो फिर नहीं ना पॉसिबल, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करनी है नॉट सिमेट्रिक वाले, मेरे पास दो ऑप्शन है, यानी मुझे ट्रांसिटिव चेक करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं अपने आप को बॉय कंसिडर करी, आई एम अ ब्रदर ऑफ वन पर्सन, ठीक है, मान लीजिए वो बॉय है, दैट बॉय मस्ट बी ब्रदर ऑफ अदर पर्सन, तो क्या मैं उसका ब्रदर ही होंगी? यस, क्योंकि आप खुद देखिए, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूं। देखिए, लेट अस सी, बी वन इज अ ब्रदर ऑफ, जो है मान लीजिए बी टू, अच्छा यहाँ एस टू भी हो सकता है, सिस्टर वन ले लेते हैं, पर मैं ब्रदर को क्यों ले रही हूं? क्योंकि अगली ऑप्शन ब्रदर वाली ही लेनी है ना, सिस्टर वाली तो ले ही नहीं सकती ना, तो ये तो क्रॉस ही हो जाएगा। बी टू इज अ ब्रदर ऑफ बी थ्री, या यहाँ सिस्टर वन भी हो सकता है, कोई टेंशन है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली बी वन ने इसका भी ब्रदर रहना है, इसका भी ब्रदर ही रहना है, चाहे थर्ड में सी सिस्टर है, ये जो मर्जी, तो दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव है। बात समझ आई प्रभलू, समय अंक आपको क्लियर है? तो दैट मीन्स ये इसका ब्रदर है, अब ब्रदर है तो दैट मीन्स ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, बट ये क्या है, ट्रांजिटिव है, तो दैट मीन्स मेरे पास जो है कौन सी ऑप्शन आएगी, बी ऑप्शन, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन ऑरल करने वाले हैं, सोचने वाले हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने वाली नहीं है। आगे हम ये चीजें कैलकुलेट करके शो करके दिखाते थे, अब कोई नीड नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखिए, प्लीज सी इट केयरफुली। मेरे पास एक रिलेशन में 1 2 3 डिफाइंड है बाय रिलेशन आर, ठीक है, उसमें 1 और 2 एलिमेंट है, देन आर इज, सिर्फ दो ही ऑप्शन है 1 2 ना, क्या ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक? नन ऑफ दिस, उसने कहा कि ना वो ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव ही है नहीं, क्योंकि 1 2 एलिमेंट है, अगर 1 2 है तो बेटा 1 1 होना चाहिए था ना, नहीं, 100% रिफ्लेक्सिव खत्म हो। अब रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक आता है 1 2, तो 2 1 भी होना चाहिए ना, सिमेट्रिक मतलब सिमेट्री उल्टा होना चाहिए, नहीं है ये सिमेट्री, लेकिन रह गया ट्रांजिटिव, 1 2 है, आगे मैंने 2 के साथ 3 या 2 के साथ 1 कुछ ऐसा होना चाहिए ना, वो एलिमेंट ही नहीं है। जब सेकंड ऑप्शन में ट्रांजिटिव की चेक नहीं कर पाती हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ उसको ट्रांजिटिव कंसिडर करती है, तो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज बी, दैट इज ट्रांजिटिव। ओके बेटा, क्लियर, समझ आ गई ये बात सबको? प्रभु, रसिका, हंसिका, क्लियर? चलो बेटा आगे, चलिए कम टू नेक्स्ट बेटा, 7th क्वेश्चन देखिए, सी द 7th क्वेश्चन, सी इट, लेट अस डिफाइन द रिलेशन आर ऑन अ सेट आर एज ए रिलेशन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, देन आर इज, आपने बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक। अब ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, पहली हमेशा चलो तुम रिफ्लेक्सिव से शुरू हो गए, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये ट्रू है कि नहीं? ट्रू है ना, क्योंकि इक्वल टू आ गया, रिफ्लेक्सिव बन रही है, सेकेंड आ जाओ सिमेट्रिक, A greater than equal to B, क्या B greater than equal to A हो सकता है?
एक ही ऑप्शन में हो सकते हैं जब इक्वल टू है मेरे पास, हर बार तो नहीं, सबके लिए ट्रू तो नहीं है ना। अगर मैं कहूँ टू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू टू, क्या टू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होगा? नहीं, नॉट पॉसिबल, यानी ये सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव का देखें, मेरे पास थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है, वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नहीं होता, वन जीरो से बड़ा नहीं होता है कि नहीं होता, तो दैट मीन्स थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी ये रिफ्लेक्सिव मेरे पास है, मेरे पास ट्रांजिटिव है, बट मेरे पास सिमेट्रिक नहीं। इज इट क्लियर? ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? चले आगे, एट्थ क्वेश्चन, लेट अस सी। मैं यहाँ लिखना पड़ेगा, मुझे स्टेटमेंट है, ठीक है जी, लेट अस राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड। हाँ जी, मेरे पास क्वेश्चन है, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, अब उसने कहा सच दैट एक्स रिलेशन वाई, इफ एंड ओनली इफ एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एट। सबसे पहले देखिए, अगर मैं कहती हूँ ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का मतलब एक्स एक्स सेम होना चाहिए, यानी एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू एट, थ्री एक्स इज इक्वल टू एट, एक्स की वैल्यू एट बाई थ्री, ये तो नेचुरल नंबर को बिलोंग ही नहीं करती बेटा, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, है ना। मुझे नहीं पता उसने आगे क्या पूछा, मैं अपनी तरफ से ही वो ऑप्शंस नहीं, उसने कुछ और पूछा हुआ है, सॉरी, दे आस्क्ड द डोमेन ऑफ आर, मुझे आर की डोमेन बताइए कि क्या क्या है, ठीक है, तो ये चीजें नहीं चलेंगी इसमें। अब डोमेन के लिए बेटा ध्यान से हम क्या करेंगे, आपको पता है एट का मल्टीपल होने के लिए अगर ये इवन है ना, ये भी इवन होना चाहिए, तभी वो डिवाइड होगा। ओके, तो इसके लिए बेस्ट, क्योंकि नेचुरल नंबर है, आप वन पुट करना शुरू करो, अगर आप एक्स वन पुट करते हो तो नहीं चलेगा, एक्स टू पुट करो, टू वाई इज इक्वल टू एट माइनस एक्स करो, एक्स टू पुट किया, वाई की वैल्यू सिक्स बाय टू थ्री आई, मैं ये भी ऐसे करता, ठीक है, थ्री पे नहीं जाएगा, ऑड नंबर पे नहीं ना जाएगा, एक्स फोर पुट करो मेरे पास, जब फोर पुट किया तो फोर बाय टू टू, ठीक है, एक्स सिक्स पुट करो, टू बाय टू वन, एक्स एट पुट करो, ये कितना आ गया वाई जीरो, ये ले ही नहीं सकते क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता, तो डोमेन कौन कौन सी आई, टू फोर सिक्स, डोमेन क्या होता है जिस पे फंक्शन डिफाइंड कर सकते, बात समझ आई बेटा सबको, क्लियर। अब इस पे ही वो कहता है रेंज निकालो, अगर मुझे रेंज निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास ये डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, क्या क्या आएगा मेरे पास, थ्री टू वन। ओके, समझ आ गया बेटा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, चलूं आगे बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन, रीड इट केयरफुली, अब मैं बोलूंगी कुछ नहीं, ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरे पास रिलेशन में एलिमेंट्स हैं ए ए बी बी सी सी, और मुझसे पूछा गया रिलेशन कैसा है, रीड कर लिया, ट्राई टू डू इट। चलो मैं क्वेश्चन लिख रही हूं कि मेरे पास जो है रिलेशन, एक सेट ए पे डिफाइन किया गया है, ए बी सी, और रिलेशन में एलिमेंट दिए हुए मेरे पास ए ए ए बी बी सी सी, और बेटा बी सी और ए बी, तो ये रिलेशन कैसा है, सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव क्लियर कट है, ए ए है, बी बी है, सी सी है,
ओके जी। अब अगर मैं सिमेट्रिक देखूं, बी सी है तो क्या सी भी यहां पर है एलिमेंट? नहीं है। तो वेट बेटा, तो मेरे पास जो है ए है, बी बी है, सी सी है, ठीक है। मैं बात कर रही थी कि बी सी है और मुझे सी बी भी चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, बट यहाँ है ही नहीं सी बी, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव में मेरे पास क्या है? अच्छा, अगर मैंने ए ए लिया, ए बी लिया, तो ए बी है, ओके। अगर मैं इधर बात करूं, मेरे पास बी सी, सी बी, बी सी बी है। अगर मैं यहां पर देखूं बी बी, बी सी, तो बी सी बी है ना। कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है कि जो ना हो मेरे पास। देखिए, रिफ्लेक्सिव है, चेक कर लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट जिस पे वो डिफाइंड ना होता। बेटा मैंने सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक कर रही थी। अगर ए बी, इसके साथ अगला ए यही है ना, हम लेते हैं ना, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हम कहते हैं अगर ए सी बिलोंग्स टू आर हो तो ये ट्रांजिटिव होता है। ए ए है, ए एलिमेंट इसमें है, ए ए ए, ए बी, ए बी बचता है ना, ये कट गया तो ए बी बचा, ए बी है। अब मैं इसके साथ देखती हूं, अगर मेरे पास है बी बी, बी सी, बी बी कट गया, बी सी है। अब देखो सी ए, सी ए, इसका सेकंड वाला है ही नहीं सी वाला कोई, तो ट्रांजिटिव तो ये काउंट ही होना चाहिए ना। बट यहां पर जो है गलत दिया हुआ है, ऑप्शंस उन्होंने नन दी हुई है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, दोनों है, मैं किसी एक को नहीं कर सकती हूँ। ये ट्रांजिटिव बनता है क्योंकि सेकंड वाला हम चेक ही नहीं कर पा रहे। मैं वही देख रही हूँ, कोई छोड़ तो नहीं दिया हमने। ए बी, बी बी, ये भी है, मैंने इसके साथ कोई बन ही नहीं रहा है। बी सी, सी बी, दिस इज ट्रांजिटिव बेटा, तो बुक में आंसर इसका गलत दिया हुआ है। तो अगर ऐसा हो तो हम नन ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव दोनों है, तो नन ऑप्शन इज देयर, वी हैव टू टिक द नन ऑप्शन। ओके बेटा, क्लियर। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। मैं कितनी बार बता चुकी हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फ्रॉम सेट 1, 2, 3 दैट आर 5। अगर तीन एलिमेंट्स हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 बनते हैं। प्लीज लर्न इट, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 बनेंगे। मैंने आपको निकाल के दिखाए थे सारे, पहला 1-1 वाला, दूसरा 2-2 वाला, 3-3 वाला, ठीक है। फिर उसके बाद 1-1, 2-2, 3-3, 2-1, 1-2, अगले वाले में सारे, तो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं इस सेट से। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं बेटा? प्लीज व्हाट यू हैव टू डू, कोई भी बुक उठा के बेटा उसमें से क्वेश्चन कीजिए। आपको कोई डाउट है तो यू कैन